गुजरात सूरत के कोडादरा एवं लिम्बैत एरिया के महाराणा सर्कल पर राजपूत बॉयज ग्रुप की टीम द्वारा 365 दिन मुहिम के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 यूनिट ब्लड बैंक संग्रह किया गया, जिसमें राजपूत बॉयज ग्रुप एवं राजपूत समाज के सभी लोगों का सराहनीय योगदान रहा। जगन न्यूज 24 गुजरात सूरत से कल्याण सिंह के साथ डॉक्टर जगत सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। जो बॉयज ग्रुप का जो कार्य है बहुत बढ़िया सराहनीय है, और उन्होंने लगातार मेरे ख्याल से ये दूसरी बार कंटिन्यू जारी रखा, और इन लोगों को आगे भी और प्रेरणा दे कि आगे भी ये लोग जारी रखें, और बहुत ही बढ़िया इन लोगों का कार्य बहुत अच्छा रहा, और सभी बढ़िया जो भी राजपूत बॉयज ग्रुप है, राजपूत समाज है, इसके अतिरिक्त तो सभी दूसरे लोग भी यहाँ सहयोग देते हैं, और ये बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। जगत न्यूज़ 24 गुजरात सूरत से डॉक्टर जगत सिंह राजपूत। बॉयज ग्रुप एवं राजपूत समाज द्वारा ही रखा गया है? हाँ, ये जो प्रोग्राम है अपने जो समाज के जो नौजवान हैं राजपूत बॉयज ग्रुप, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, कोई भी समाज में जो भी कोई दिक्कत आती है या कोई भी सामाजिक काम है वहाँ में सबसे आगे रहते हैं। कोई भी सामाजिक हेतु जो भी अच्छे काम समाज के लिए करना होता है, जैसे साई बाबा का जो भंडारा है या तो नए साल में जो भी पार्क में निकलना है वो काम भी यहाँ पे होता है, और इस 2 साल से जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है उसमें भी अच्छी तरह से आगे भी इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, पूरा समाज इस पर एकत्रित हो सके, समाज के अलावा भी और हमारे जो सफाई है वो भी इस अच्छे ये प्रोग्राम में शामिल हो और अच्छी तरह सफलता मिले, इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हम आगे की कड़ी में यहाँ जो सूरत जिले के अंदर जो महाराणा प्रताप चौक है, यहाँ जो राजपूत बॉयज ग्रुप द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन जो किया गया था उसके बारे में हम जानने के लिए आए थे, और जाना यहाँ हर साल लगभग इनके द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन होता है, और बहुत अच्छा होता है, और हर बार अच्छा कलेक्शन भी होता है ब्लड का। फिर भी ये जो राजपूत बॉयज ग्रुप जो हर बार जो ये बढ़िया ब्लड डोनेट का काम करते हैं बहुत ही बढ़िया है, और अभी और ये जैसा भी ये कोरोना का बात बताया जा रहा है, इस कोरोना का जो अभी जो स्टार्टिंग बताई जा रही है इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की भी आवश्यकता गिरती है, तो इसलिए इन लोगों का बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य है, और आगे हम इनकी ही टीम से किसी जानना चाहेंगे। ब्रेक करिए दोनों, कोई रेडी आगे इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि भाई अभी तक कितना बॉटल ब्लड हुआ, और इसके बारे में भी जानकारी देंगे, और जो अगला इनका जो अगले साल और क्या प्रोग्राम रखने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। बताइए पहले ही मैंने बताया था, ये जो महाराणा प्रताप बॉयज ग्रुप है या महाराणा प्रताप सोसाइटी में सब अभी राजपूत समाज के जो नौजवान हैं उन्होंने जब से महाराणा प्रताप का स्टैचू बनाया है उसके बाद इन सब लोगों ने एक नक्की किया था कि महाराणा प्रताप के स्टैचू को हम साल के पूरे 365 दिवस जो है फुलार करेंगे और स्वच्छता रखेंगे, और यहाँ के जो नौजवान हैं हर दिन सुबह में पूरी स्वच्छता करते हैं और फुलार भी अर्पण करते हैं स्टैचू को, और उसके उपलक्ष्य में जो गए साल में 365 दिन पूरा होने के बाद इन्होंने एक नक्की किया था कि वही हम ब्लड कैंप का आयोजन करेंगे, और गए साल में भी यही दिन बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रोग्राम बड़ी संख्या में और अच्छी तरह से ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था, उसमें लगभग 100 से ऊपर ब्लड यूनिट जमा हुए थे। हमको मालूम है कि कोरोना जैसी महामारी या कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी बीमारियाँ में जो जैसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हम बहुत सारे लोगों को फ़ोन आते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमको किसी भी कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी हमारे भाई को ब्लड की ज़रूरत हो उसमें कोई भी
ज़रूरत हो तो उसको पूरा करने के लिए हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से जो ब्लड डोनेशन के माध्यम से जो जितने भी यूनिट ब्लड जमा किए जाते हैं हम उनको तक पहुँचाने का काम करेंगे, ऐसा नौजवानों ने मतलब नक्की किया है। और इस साल जो है ये आज का जो प्रोग्राम रखा गया है 365 दिन के पुलर मुहिम जो है इसका 2 साल अभी पूरा हो गया है और उसी उपलक्ष्य में आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, इन लोगों ने खाना है राष्ट्रीय वाइज ग्रुप जो अपने सब समाज के होनहार नौजवान है द्वारा अपने समाज के प्रति जो दायित्व है वो पूरा करने के लिए जो जो अच्छे काम किए जाते हैं, मुझे लगता है कि इससे और कोई अच्छा काम हो नहीं सकता है। और इसीलिए इन सब युवाओं ने हर साल यही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने का किया है और जो भी हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो सके ब्लड की, उसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज की बात करें तो 71 ब्लड यूनिट आज जमा हो चुके हैं और हमारा टारगेट है कि आज भी हम 100 के ऊपर ब्लड यूनिट जमा करके इस कार्यक्रम को और सफल बनाने का प्रयास करेंगे। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें जगन न्यूज़ 24।